चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएसएनएल 7 नई सेवाओं के साथ बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला है और इसके चलते सरकारी कंपनी यानी कि बीएसएनएल 3 नए पिलर्स के साथ काम करने की तैयारी कर रहा है। और वहीं अगर सिक्योरिटी और साथ ही अफोर्डेबिलिटी और साथ ही रिलायबिलिटी समेत 7 नई सर्विसेज का भी ऐलान कर दिया गया है। बीएसएनएल पूरे देश में 4G नेटवर्क लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसको लेकर जनता टीवी ने बीएसएनएल के सीजीएम एके मिश्रा से खास बातचीत की है। ये बातचीत एक बार देख लेते हैं। देश में बीएसएनएल लगातार स्वदेशी नेटवर्क के साथ साथ बेहतर सेवाएं देने के लिए जो है प्रयासरत है और यूपी के सीजीएम एके मिश्रा जी हमारे साथ हैं और वो लगातार यूपी में जब से उन्होंने चार्ज लिया है तब से बूस्ट करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और लगातार नई नई योजनाएं भी ला रहे हैं। अरसे बाद है कि इस बार दिवाली में तमाम तोहफे बीएसएनएल की तरफ लोगों को मिलेंगे और मैं उन्हीं से जानूंगा कि क्या क्या सब दिवाली में इस समय ला रहे हैं। सबसे पहले नमस्कार और दिवाली और आने वाले समस्त पर्वों की हमारी सम्मानित उपभोक्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। और बीएसएनएल जैसा कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली 22 अक्टूबर को हमारे माननीय संचार मंत्री जी और माननीय सीएमडी और माननीय सेक्रेटरी टेलीकॉम ने 7 बड़ी योजनाओं का एक साथ शुभारंभ किया है, जिसमें कि प्रमुख योजनाएँ हमारी हैं कि IFTV जो हमारे बीएसएनएल फाइबर के कस्टमर्स हैं उनको फ्री 500 से ज़्यादा चैनल निशुल्क मिलेंगे, इनका सॉफ्ट लॉन्च हो चुका है। फिर अगर आपको सिम प्राप्त करना है तो आप क्योस के माध्यम से ले सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और वो क्योस के माध्यम से मिल सकते हैं। 5G कैप्टिव नेटवर्क है हमारा। कैप्टिव नेटवर्क मतलब कि जैसे अभी हम लोगों ने कोल जो माइंस हैं वहाँ पर हम लोगों ने इसको ऑलरेडी संचालन किया है, खास तौर से जो डिज़ास्टर हैं जहाँ पे रिलीफ वगैरह की या बहुत सारी इस तरह की ज़रूरतें होती हैं तो वहाँ पे हमारा 5G कैप्टिव नेटवर्क है। ये प्योरली सिक्योर्ड नेटवर्क है, प्योरली स्पैम फ्री नेटवर्क है। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने लागू करी हैं। बीएसएनएल वाईफाई रोमिंग, ये अपने आप में एक पहली सुविधा है कि अगर आप फाइबर के उपभोक्ता हैं तो पूरे कंट्री में आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपके जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं उन लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से आप अपने किसी निकट संबंधी या किसी दोस्त वगैरह के पास जाते हैं तो उनके लॉगिन क्रेडेंशियल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लॉगिन और वाईफाई से आप अपने फाइबर को अपने प्लान को एक्टिवेट कर सकते हैं और पूरे भारतवर्ष में आप इसकी सुविधा का प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी हमने कुछ जो नंबर हमारे इनएक्टिव हैं उसमें हम लोगों ने एक आकर्षक योजना लागू करी है, करीब 300 के आसपास का STV लॉन्च किया है जिसमें कि 30 GB उतना डेटा हम लोग फ्री में दे रहे हैं। प्लस अभी हमारा जो फाइबर है अगर कोई लेना चाहता है तो उसको हम लोग 1 महीने निशुल्क बिना संस्थापन के दे रहे हैं, ये भी स्कीम हमारी चल रही है। और जो हमारे एनुअल प्लान 1999 के हैं उनमें भी हम 100 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं 1899, तो ये भी हम लोग प्लान अभी दिवाली ऑफर में दे रहे हैं। और इसी तरह से एक विद्या मित्रम स्कीम है जिसमें कि कोई भी हमारे माननीय जो हमारे प्रतिनिधि हैं या जिनके पास क्षमता है जो सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हैं वो 3 विद्यार्थियों 6 विद्यार्थियों 9 विद्यार्थियों को एक हमारे 10,000 के आसपास उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं तो शिक्षा को बढ़ावा मिल सकता है। तो BSNL की सोशल कमिटमेंट जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी तरफ BSNL बहुत तेज़ी से अग्रसर है। और साथ ही साथ आपको जान के ये भी हर्ष होगा कि बहुत तेज़ी से हम अपने 4G जो टावर्स हैं उनका संस्थापन कर रहे हैं, करीब हम लोगों ने 2845 हमारे 4G टावर रेडिएट करने लगे हैं और दुर्गम स्थानों में हमारे 69 सेचुरेशन के टावर्स जो हैं जहां पे हमारे एक्सेस नहीं है उन दुर्गम स्थानों में भी हम लोगों ने अपने करीब 70 के आसपास टावर वहां संस्थापन कर दिए हैं और वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे BOP जो हमारी बॉर्डर पोस्ट होती हैं वहाँ पे भी हम लोगों ने 10 साइटों का प्लान बनाया है, कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि 10-15 दिनों के अंदर इनका भी संस्थापन कर दें। और एक हमारी गोंडा में एक इस दिशा में एक हम लोगों ने साइट चालू भी कर दी है। तो इस तरह की बहुत सारी आकर्षक योजनाएं हैं और हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा BSNL की सेवाओं को लें और ये सही मायने में पारदर्शी है, सही मायने में स्वदेशी है और सही मायनों में आत्मनिर्भर है। और अभी BSNL ट्रांसफॉर्म कर रहा है, अभी हम लोगों ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है, सिक्योरिटी है, अफोर्डेबिलिटी है एंड रिलायबिलिटी है, हमारे 3 मूल मंत्र हैं। तो इस तरह से मैं चाहता हूं कि लोग BSNL की सेवाओं को लें और आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी, स्वदेशी टेक्नोलॉजी और स्वदेशी होने का उनको गर्व होगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी अपेक्षाओं के आधार पर
हम बेहतर से बेहतर सेवाएं उनको निर्बाध रूप से दे सकें। 24/7 हम लोग कृत संकल्प हैं, कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों की और समस्त हमारे जितनी भी सम्मानित जनता है, हमारे उपभोक्ता हैं, उनकी अपेक्षाओं पर हम लोग खड़े उतरेंगे। थैंक यू। तो ये थे सीजीएम ए के मिश्रा जी का। सीधे से कहना है लोगों को बेहतर से बेहतर सुरक्षित सेवा मिलेगी, स्वदेशी सेवा मिलेगी और तेज स्पीड से उनको इंटरनेट सुविधा मिलेगी और इसके लिए पूरे कोशिश की जा रही है और सारा विभाग इसके लिए लगा हुआ है और पूरे तरह से बीएसएनएल ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये एक नई बात है और इस दिवाली में बीएसएनएल उपभोक्ताओं के लिए तमाम तोहफे भी आए हैं जिसका उन्होंने जिक्र किया। अब देखते हैं कि उपभोक्ता कितना बीएसएनएल साथ रहते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो उनकी शिकायतें हैं वो भी दूर की जा रही हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। कैमरा पर्सन रियाद के साथ टीएम शाह, जनता टीवी, लखनऊ।